अभी किसी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, उसमें एक मंजर था कि एक स्कूटर गली में आकर रुकी, दो अफराद उस पर बैठे थे, वो दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। दरवाजा जो था वो लोहे की जालीदार था और हरेबर उन्होंने अंदर से बंद कर दिया। इतने में एक और स्कूटर आई जिसमें दो सवार थे, अब उसमें निकाब पोश उतरा, उसके हाथ में पिस्टन थी और वो लोहे के दरवाजे पर आया और उसने हाथ डालकर खोलने की कोशिश की, कुंडी नहीं खुली, तो फिर ये घबरा कर ये दोनों भाग गए। आशिका नसूर, इससे मुझे ये समझने को मिला कि ये शायद डाकू होंगे और ये अफराद खाना होंगे, घर के लोग होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि हर एक को चाहिए कि अपनी हिफाजत का खुद इंतजाम करें। तमाम इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने घरों के मेन इंट्रेंस हैं वो सदर दरवाजे, ये लोहे के हों, जालीदार हों। जिस खास कमरे में आप रहते हैं उसका भी दरवाजा अगर लोहे का हो, जालीदार हो, और इस तरह अंदर से वो बंद हो जाए कि बाहर से कोई हाथ डालकर खोल ना सके। अल्लाह करीम हम सबकी हिफाजत हो। और दरवाजा फौरन बंद करना चाहिए, उन्होंने फौरन बंद कर दिया था, तो इस तरह इनकी बचत हो गई, अल्लाह ने बचा दिया। बचाने के असबाब तो वही पैदा फरमाता है, वही बचाने वाला है। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते और करवाती रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।